رسول أعوذ بالله الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أخواتي المزرعات سملات كثل الله جل رحمة अगला सवाल जो पूछा गया ये था कि कभी कभी अपने शेख से मुलाकात से चंद लम्हे पहले एक अनजाना सा खौफ हमें घेर लेता है, ऐसा क्यों? क्या कभी बड़े शाह साहब के पास हाजिरी से पहले आपकी कैफियत ऐसी हुई? असल में ये शेख का इल्म, शेख की पारसाई और शेख का तक्वा, ये उसका असर होता है कि इंसान इतना मरूब होता है अपने शेख से कि बाज़ औक़ात उसके सामने जाते हुए घबराहट सी होती है, खौफ नहीं होता, वो एक अजीब सी घबराहट सी होती है। और जहां तक मेरा ताल्लुक है, इस लिहाज से मैं समझता हूं कि बड़ा खुशकिस्मत हूं कि ना तो मुझे इल्म से कभी कोई वास्ता रहा, ना पारसाई और ना तकवे से। तो जिस आदमी को यही नहीं मालूम इल्म होता क्या है, तकवा क्या होता है, पारसाई क्या होती है, तो उस पर घबराहट क्या सवार होगी? तो इसलिए मैं ऐसी तमाम अच्छी नेमतों से दूर ही रहा। साहब ने अगला सवाल लिखा है कि अपने हर अमल, कदम, सोच, बर्ताव को लोगों की खुशनूदी की बजाय अल्लाह के लिए खालिस कैसे किया जाए? कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए कि अखलास हमारी सेकंड नेचर बन जाए। ये थोड़ी सी अपनी ज़ात पर मेहनत करना पड़ती है और ख़ास तौर पर जब हम किसी के साथ एहसान का सलूक करते हैं, बेहतर सलूक करते हैं, और उसके जवाब में जब हमें कोई ज्यादा पसंदीदा रिएक्शन नहीं मिलता, तो जब अंदर तकलीफ होती है और आदमी का नफ्स उसे इस बात पर उभारता है कि वो लोगों के पास जाके जिक्र इस बात का करे कि देखिए मैंने इससे ये नेकी की थी और उसका सिला इसने मुझे ये दिया, तो ऐसे वक्त पर अगर आपके शेख स्ट्रांग आदमी है तो वो आपका हाथ पकड़ के आपको रोक लेते हैं और आपको ये समझाते हैं कि भाई उसने जो कुछ किया वो अच्छा किया, ठीक किया। तुम अपने आप को ये समझाओ कि मैंने अगर इसके साथ कोई एहसान का बर्ताव किया तो इसलिए नहीं किया था कि ये मुझे अच्छा कहे या उसका कोई मुझे सिला दे दे, मैंने तो इसलिए किया था कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, क्योंकि वो चाहता है कि मोमिन दूसरों के साथ एहसान का उसे
सलूक करे। तो जब ये बार बार चीज पेश आती है इंसान को, बार बार शेख बताते हैं इस बात को, तो रफ्ता रफ्ता फिर इंसान की फितरत में ही शामिल हो जाता है कि बगैर ये देखे वो दूसरों के साथ एहसान का सलूक करता है कि मेरे साथ सामने से क्या हो रहा है। और एक वक्त फिर वो भी आता है कि वो चाहता है कि मेरे साथ लोग मेरे एहसान के जवाब में मुझे ईंटें मारें, क्योंकि उसे उस पर एक बात का इंकशाफ होने लगता है फिर कि जब मैं दूसरों के साथ एहसान का सलूक सिर्फ इसलिए करता हूं कि ये मेरे रब का हुक्म है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, तो उसे उसका अज्र बहुत मिलता है। देखा ही गया है कि इंसान जिसके साथ नेकी करता है उससे नेकी के जवाब में बुराई ही आती है, लेकिन किसी दूसरी जगह से बेपनाह किस्म का अजर मिल जाता है। शर्त यह है कि इंसान दूसरे के साथ नेकी कर रहा हो सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, तो अजर बेपनाह मिलता है। जब यह इदराक हो आदमी को कि मुझे ये शायद ये तरीका है कुदरत का कि मैं जहां नेकी करूंगा वहां से मुझे बुराई आएगी, लेकिन दूसरी जगहों से उसका सिला कई गुना बढ़ाकर मिल जाएगा, तो फिर इंसान को वो बातें पिंच नहीं करती हैं। इन्होंने पूछा है कि देखा गया है कि रूहानियत से मुतालिक कुछ सवालात सरे महफिल जब हम अपने मुर्शिद साहब से न पूछ पाए तो जहन पर एक गिरासी लग जाती है और इंकबाज की कैफियत पैदा होती है, ज़ौक व शौक में कमी आने लगती है, ऐसे में क्या किया जाए। मेरे ख्याल में तो मामला शायद इसके बरक्स होता है। अगर इंसान को ये समझ आ जाए कि मेरे रूहानी मामलात सिर्फ मुझ तक रहने चाहिए, दूसरों के इल्म में ना आए, तो फिर वो हिचकिचाता है महफिल में बैठ के लोगों के सामने सवाल पूछने से, इसलिए कि जब आप सवाल पूछते हैं तो इनडायरेक्टली आपके ट्रेंड्स, आपकी राह और आपकी रूहानी कैफियत का लोगों पर इंकशाफ होने लगता है। लोग उस सवाल को सुनकर अंदाजा कर लेते हैं कि सवाल पूछने वाले की इस वक्त रूहानी कैफियत क्या है, ये किस राह पर चल रहा है और कहां तक गया हुआ है। इसलिए कि जो सवाल आप पूछते हैं वो दर हकीकत आपकी इल्मी सतह को जाहिर कर रहा होता है। तो जब हम रूहानियत से मुतालिक कोई ऐसा सवाल पूछ लें जो काफी एडवांस्ड लेवल का हो, तो खुद हमारा भेद खुल जाता है लोगों पर कि हमारी रूहानी कैफियत क्या है। इसीलिए समझदार लोग कभी अपने मुर्शिद से सरे महफिल कोई ऐसा सवाल नहीं पूछते जिससे रूहानी कैफियत का दूसरों का अंदाजा हो जाए। और खुद शेख भी आपके शेख आपको डिस्करेज करेंगे कि आप लोगों के सामने कोई सवाल उनसे रूहानियत से मुतालिक पूछें। बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो
जिनका ताल्लुक जनरल नॉलेज से है, एक अमूमी इल्म से है, तो जो अमूमी इल्म से मुतालिक सवालात हैं वो तो पूछ लिए जाएं, लेकिन रूहानियत के एडवांस्ड लेवल के सवाल सरे महफिल न पूछे जाएं कि आपके अपने पोल खुलने लगते हैं। और रूहानियत ऐसी चीज है कि जितना आप इसे छुपाएंगे उतनी तेजी से इंसान की तरक्की होती है, और जितना इसको आयां कर देगा इंसान उसमें रुकावट आ जाएगी। तो इंकबाज की कैफियत से बचने का बड़ा आसान सा तरीका है कि जहां शेख अकेले मिले उनसे आप सवाल पूछ लीजिए, तो वो गिरासी नहीं लगेगी। और इनका ये सवाल है कि क्या ये सच है कि शेख कामिल भी क़िबले की तरह होता है, अगर दूर से भी उसकी तरफ रुख कर लिया जाए तो फैज हासिल हो जाता है। इल्म का ताल्लुक सिर्फ शेख ही नहीं, किसी से भी आपका होगा। शर्त यह है कि शेख इल्म के आला मकाम पर हो, तो तसव्वुर में भी अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे तो जवाब आपका ज़हन आपको खुद ही दे देगा। आप किसी मुश्किल में हैं और आपके शेख अगर कामिल हैं तो घर बैठे हुए आप मुखातिब हो के अपने शेख का नाम लेके उनसे मुखातिब हूं और उनसे कह दें कि मैं मुश्किल में हूं, अल्लाह से दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे इस मुश्किल से निकाल ले। तो अगर शेख आपका कामिल है तो वो दुआ हो जाएगी और रब ताला मदद भी फरमा देगा। लेकिन इसमें बुनियादी एक शर्त रहती है कि शेख कामिल हो, वो रूहानियत के बहुत आला दर्जे पर फायज हों अगर आपके शेख, तो ये कैफियत हो जाएगी। फिर क्या सिर्फ सिलसिला चिश्तिया से ताल्लुक रखने वाले लोगों को हजरत निजामुद्दीन औलिया मोहर वलायत लगाते हैं या बाहर या हर सिलसिले के लोगों को? इसमें सिलसिले की कोई कैद नहीं है, ये तो हम लोगों ने अपनी सहूलत के लिए इस तरह के नाम बना लिए कि फलां सिलसिला फलां सिलसिला फलां सिलसिला। ये असल में हमारी अकीदत ने ये तफरीक पैदा कर दी। जहां तक इन बुलंद पाया बुजुर्गों की बात है तो उनके यहां तो कोई फर्क है नहीं। तो कस्टोडियन है आजकल जनाब हजरत निजामुद्दीन औलिया उस मोहर के, तो वो मोहर जनाब हजरत निजामुद्दीन औलिया ही जब्त करते हैं। एक और इनका सवाल है कि क्या हजरत निजामुद्दीन औलिया का मोहर मोहर वलायत सब्त करने का तसर्रुफ बर्रे सगीर पाक और हिंद तक महदूद है या पूरे खिताए अर्ज तक फैला हुआ है? नहीं, ये कुरए अर्ज के लिए है, रूहानियत में फासले को मायने नहीं रखते हैं।
मोहर औलिया ही लगाते हैं, हा किसी को वलायत दुनिया के किसी कोने में मिले। अगला सवाल इन्होंने पूछा कि क्या मुर्शिद कभी जानबूझकर भी अपने किसी मुरीद को कदरे नजरअंदाज करते हैं ताकि मुरीद एक खास कैफियत से गुजर सके और उस पर कुछ नुक्ते वादे हो सके। नजरअंदाज करने की बात नहीं है, कोई शायख अपने शागिर्द को नजरअंदाज नहीं करता, फर्क सिर्फ इतना है कि शेख बाज़ औक़ात किसी रूहानी कैफियत से गुजर रहे होते हैं, कभी किसी से कभी किसी से, तो उस रूहानी कैफियत के तहत उनके रवैयों में भी अकॉर्डिंगली फर्क आता है। अब जो शेख हैं और शेख कामिल हैं उन पर पाबंदी यह है कि ना तो वो अल्लाह के किसी बंदे को अपने पास आने से मना कर सकते हैं, ना किसी से बेरुखी अख्तियार कर सकते हैं, ना अल्लाह के किसी बंदे को धुतकार सकते हैं। ये पाबंदी है उन पर, लेकिन है बहरहाल इंसान वो। तो अगर किसी ऐसी रूहानी कैफियत से गुजर रहे हैं या गौर व फिक्र कर रहे थे किसी नुक्ते पर तो आप मिलने के लिए आ गए, अब वो किसी को मना तो कर नहीं सकते कि मेरे पास मत आओ, मुझसे मत मिलो, इजहार करेंगे नहीं, लेकिन वो जो तन्हाई में बैठने की अर्ज है वो शेख के रवैयों पर असरअंदाज हो जाएगी और कुछ ना कुछ रवैये में गर्मजोशी में फर्क जरूर महसूस होगा। शेख किसी नुक्ते पर गौर कर रहे थे, उसी नुक्ते पर गौर करते करते वह हालत कश्म में चले गए। वो हालत कश्म एक ऐसा नशा है जो मेरा ख्याल दुनिया के सब नशा आवर चीजों से ज्यादा स्ट्रांग है कि आदमी हालत कश्म में किसी पसंदीदा हस्ती से मुलाकात हो रही है, कोई साहब मिलने आ गए, डिस्टर्ब हो गया बंदा, अब पाबंदी है, किसी को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उसके रवैये में एक हल्का सा फर्क आ जाएगा। तो आदमी समझता है कि मुझे नजरअंदाज कर दिया, नजरअंदाज नहीं होता, वो उसकी अपनी शेख की अपनी कैफियत है जो असरअंदाज हो गई हैं उनके रवैये पर। तो इसीलिए जो भी लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको रूहानियत के बारे में कुछ मालूमात हैं, तो वो किसी फकीर के पास अव्वल तो जाएंगे नहीं, अगर जाना ही पड़ा तो वो सिर्फ शक्ल दिखा देते हैं, सलाम किया और चले गए। किसी बड़े बुजुर्ग के मजार पर जाएंगे, फातिहा पढ़ी और भाग लिए वहां से। इसलिए कि ये नहीं मालूम कि जिनके पास वो गए हैं वो साहब इस वक्त किस कैफियत में बैठे हैं। तो सलाम किया और वहां से चले गए, फिर जगह छोड़ दी। ऐसे लोग फायदे में रहते हैं,
शेख से बहुत कुछ ले जाते हैं। जैसे आपको मालूम है कि रूहानियत में हर शहर का एक हाकिम होता है, तो जिस तरह से सिविल सर्विस में भी और आर्म्ड फोर्सेस में भी एक दस्तूर है कि जूनियर सीनियर को सलाम करता है, तो अगर कोई सीनियर आदमी उस शहर में कहीं चला जाए तो उस इलाके का हाकिम ड्यूटी बाउंड है कि इस विजिटिंग सीनियर आदमी को सलाम करे, मिलने आए। तो आपको हैरत होगी कि इनका सलाम बड़ा मुख्तलिफ है। हमारा तो अगर अफसर आ जाएगा, हम जाएंगे तो जाके उसको सलाम करके मजाक पुरसी करके उसके जूते सीधे करेंगे, उसके सर की टोपी सीधी कर देंगे, अपने रुमाल से कुर्सी साफ कर देंगे, हजार खुशामद कर देते हैं हम। लेकिन उनके यहां दस्तूर यह है कि जहां वो सीनियर आदमी आके बैठा है उससे 10 गज परे से आएंगे, एक लम्हे को यूं देखेंगे और सर नीचे झुका के चल देंगे। कोई दुआ सलाम नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती, लेकिन वो सलाम हो गया। वो इसीलिए है कि जो आया है वो मालूम नहीं किस कैफियत में बैठा है। ये अदब की वजह से ये दस्तूर है यहां। ये सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई। इस पर बहुत सा इख्तलाफ है, लेकिन एक चीज जिस पर सब मुत्तफिक हैं वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों ने नमाज जनाजा ग्रुप्स की शक्ल में पढ़ी है, इस पर इत्तफाक है। एक सवाल मजे का है, आपके ख्याल में नाकाम तरीन इंसान कौन है? वो मैं हूं। इसलिए कि जो इंसान जिंदगी में कुछ सीख ही ना पाए वही नाकाम है। तो सब उम्र सारी उम्र गुजार के न दुनियावी अलूम सीख सका, न दीन सीख सका, न रूहानियत सीख सका, तो नाकाम तरीन शख्स वही है जिसने उम्र यूं ही गुजार दी, कुछ सीख ना पाया, न वो बंदगी के आदाब जान पाया कि बंदगी किसको कहते हैं। रब के हजूर अगर कभी हाजिर हुआ भी तो इस तरह से कि जैसे एक फर्ज पूरा कर रहा हो, टोटल पूरा कर रहा हो। तो न बंदगी आ सकी, न इल्म मिल सका, न दीन सीख सका, तो वही शख्स नाकाम है। इनका अगला सवाल ये है कि क्या औलिया अल्लाह में से गौस को सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज हासिल होता है? ये गालिबन इस सवाल की तहरीक इनको शायद इस
ख्याल से हुई है कि जनाब ख्वाजा गरीब नवाज साहब के बारे में ही कहा जाता है कि उन्हें फैज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला था। ये मुख्तलिफ राहें हैं, मुख्तलिफ चैनल्स हैं जिनके जरिए से फैज इंसान को हासिल होता है। खुद वो वली अल्लाह किधर ज्यादा रागिब है, तो जिधर को वो ज्यादा रागिब होगा जाहिर है उसके नतीजे में उसको वहीं से मोहब्बत मिलती है, और जहां से इंसान को मोहब्बत मिलती है वहीं से फैज हासिल होता है। तो जनाब ख्वाजा गरीब नवाज साहब ऐसे खुशनसीब इंसान हैं कि जिन्हें इल्म बराए रास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदा हुआ था। वरना इंसान फैज हासिल करता है अपने मुर्शिद से, जब मुर्शिद उसे फारिग कर दें ये कह के कि जो कुछ तुमने सीखना था सीख लिया, जो मैंने तुम्हें बताना था बता दिया, अब खुद तुम्हारी मेहनत है, जितने तुम मेहनत करते जाओगे इस राह पर आगे बढ़ते जाओगे, तो उसके बाद फिर वो जिधर ज्यादा रागिब हो जाएगा वहीं से फैज हासिल हो जाएगा। कुछ औलिया किराम को जनाब हजरत अली करम अल्लाह वजह से इल्म मिला है बराए रास्त, कुछ को हजरत पीरान पीर गौसल आजम दस्तगीर साहब से इल्म हासिल हुआ बराए रास्त, कुछ को दूसरे साहबा किराम में से ऐसे भी औलिया किराम गुजरे हैं जिन्हें दूसरे साहबा किराम से इल्म हासिल हुआ, कुछ ऐसे हैं जिनको बहुत सी जगहों से एक बात दीगरे फैज मिला, कुछ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अता हुआ। मैं जब ये कहता हूं कि कुछ को अता हुआ सबको मिलता तो वही इल्म है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकसीम हुआ है, लेकिन जब मैं ये कहता हूं कुछ को मिला तो बराह रास्त वहां से अता हो गई, और उसको हम कहते हैं अताए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिनको वहां से अता हुई है उनके बारे में हम कहते हैं कि उनको वहां से फैज हासिल हुआ है। क्या गौसे जमाना के मातहत जो अकताब हैं उनकी तादाद सिलसिला वलायत शुरू होने से लेकर असर हाजिर तक एक ही है या वक्त के तकाजों के साथ तब्दील होती रहती है? नहीं, यकसा नहीं रह पाती, उसकी कई एक वजूहात बन जाती हैं, बाज़ुकात कम ज्यादा हो जाते हैं। देखने की बात यह है कि जिसको हम दुनियावी जुबान में कहते हैं कि अप्रूव्ड स्ट्रेंथ क्या है, एक वक्त में कितने कुतब होंगे दुनिया में, वो अप्रूव्ड स्ट्रेंथ है। ऑथेंटिक वो है, लेकिन बाज़ुकात वजूहात ऐसी हो जाती हैं कि एक आध कम रह जाता है, तो वो उसमें थोड़ी सी स्लाइट वेरिएशन, और आमतौर पे एक ही कुतुब की वेरिएशन आती है मेरे इल्म की हद तक, इससे ज्यादा कभी कमी मेरे इल्म में नहीं है। तो वेरिएशन है, तो नजर हमें रखनी चाहिए कि उसकी अप्रूव्ड स्ट्रेंथ क्या है एक वक्त में, तो वही असल स्ट्रेंथ है। अगला सवाल है इनका कि क्या ये सच है कि जो शख्स अपने शेख या किसी वली अल्लाह की जानबूझकर मुखालफत करे उसके जहन पर तारीकी छा जाती है और इल्म छिन जाता है? दुरुस्त है,
और एक बड़ी सिंपल सीधी सी बात है कि जिस शख्स ने अपने शेख की मुखालफत कर दी, शेख को बुरा भला कहा, तो आप इल्म तो लेते हैं अपने शेख से मोहब्बत के जरिए से, कि आप उससे मोहब्बत करते हैं, आप उसका अदब करते हैं। ये दोनों ही वो जरिए हैं कि आप शेख के दिल में उतर जाते हैं। हर आदमी को मुअद्दब शख्स बहुत पसंद आता है, खुद इंसान मुअद्दब हो या ना हो, चाहे इंसान मुझ जैसा ही क्यों ना हो, पसंद उसको मुअद्दब आदमी आता है। तो ये शेख के दिल में उतरने का बड़ा आसान और सीधा रास्ता है कि शेख के दिल में उतरा जाए अपने अदब आदाब से, और शेख से मोहब्बत की जाए तो शेख के दिल में उतर जाएगा बंदा। तो जब शेख के दिल में उतर जाएगा तो फिर शेख अपनी मोहब्बत से मजबूर होके अपने उस शागिर्द को इल्म, खास इल्म देना शुरू कर देगा, उसकी तरबियत बहुत मोहब्बत के साथ करेगा। और अगर मामलात इसके बरक्स हो जाएं तो वहां डिसलाइकिंग पैदा हो जाएगी, शेख रद्द कर देंगे ऐसे शागिर्द को। तो जब रद्द हो जाएगा तो वहां इल्म की तकसीम बंद हो जाएगी, तो जहन पर तारीकी छाएगी, तो सीधी बात है। और अगर शेख के अलावा किसी वली अल्लाह की मुखालफत करे, तो ये जितने भी औलिया कराम हैं, अल्लाह की राह पर चलने वाले लोग हैं, इन पर बहुत सी पाबंदियां हैं आम आदमी से कहीं ज्यादा। ना ये किसी को बद्दुआ दे सकते हैं, ना किसी को मना कर सकते हैं, ना किसी को सजा दे सकते हैं, इसलिए कि सुन्नत ही नहीं है वो। तो वली अल्लाह तो सुन्नत के पीछे जाता है, सुन्नत की पैरवी करता है। तो वली अल्लाह तो कुछ नहीं कहेगा ऐसे इंसान को, फिर भी उसे सीने से लगाएगा। लेकिन उस वली अल्लाह का दोस्त जो ऊपर बैठा है वो बर्दाश्त नहीं करता, तो सजा वहां से मिलती है फिर, और वो सजा बड़ी कड़ी होती है। इस सवाल में पढ़ देता हूं लेकिन इसका जवाब नहीं दूंगा। क्या अर्श को एक बहुत बड़े याकूत की शक्ल में पैदा किया गया और अर्श के ऊपर 70 हिजाबात हैं, मौजूद हैं? क्या अर्श कायम करने का मकसद इन 70 हिजाबात के अनवार की हिद्दत से मखलूक को बचाना था? इन 70 हिजाबात का ताल्लुक नूर इलाही से है या नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? या आप कहीं अलीदगी में सवाल मुझसे पूछ लें, मैं जरूर जवाब पेश कर दूंगा। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के मुख्तलिफ रंग, अहवाल और अकसाम हैं और हर नबी को एक मखसूस रंग और मखसूस किस्मत आ हुई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर से तखलीक हुए थे, बेशक वो नूर एक ही किस्म का है, लेकिन अपने अंदर तमाम अनवार, तमाम रंग और तमाम खुशबुएं समाये हुए हैं। इसीलिए
अगर कभी अल्लाह ताला ये तौफीक बख्श दे और रहमत कर दे अपनी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबान हो जाएं, तो कभी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने की खुशबू सूंघने को मिल जाए आपको, तो वो उसकी खुशबू एक होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले मुबारक को आप अगर चूमेंगे तो उसमें से खुशबू एक मुख्तलिफ आ रही होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमामा को सूंघेंगे तो खुशबू मुख्तलिफ होगी वहां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ता मुबारक को आप सूंघेंगे तो खुशबू मुख्तलिफ होगी, इसलिए कि वो नूर इलाही से तख्लीक है और दुनिया भर की अनवार और दुनिया भर की खुशबुएं उसके अंदर समाई हैं। तो वो हर जगह आपको एक अलहदा खुशबू, एक अलहदा रंग दिखाई देगा। ये जो आपके सवाल की तहरीक बनी है वो शायद ये है कि हर इंसान के रूह का एक रंग है और हर इंसान के रूह की एक खुशबू है। शायद आपने उससे कहीं मुतासर होकर ये सवाल पूछा है, लेकिन वो इंसानों की बात है, रब के नूर की बात नहीं है। रब का नूर, याद रखिए, हम जहत है। तो अगला सवाल है कि क्या ये दुरुस्त है कि किसी भी शेख की तमाम तवज्जो का मरकज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक होती है? कामलीन के नजदीक कश्फ, तसर्रुफ या वलायत कोई हैसियत नहीं रखते, इसमें शक नहीं। ये बारहा यहां इस बात का जिक्र हुआ कि जिस चीज को हम जैसे लोग बहुत बुलंद पाया चीजें समझते हैं और हम उनसे मुतासिर होते हैं, वह है कशफ व करामात और किसी शख्स के मुस्तजाब दावात होना। औलिया इकराम के नजदीक इनकी हैसियत कुछ नहीं है, बल्कि मैं ये अर्ज किया करता हूं कि जब किसी शख्स को ये चीजें जिनके लिए वो मर रहा होता है कि मैं मुझे कशफ हासिल हो जाए, मुझे करामात हासिल हो जाए, मैं मुस्तजाब दावात हो जाऊं, जब वो हासिल हो जाती हैं उस मकाम पर पहुंच के, उसके लिए वो उनकी हैसियत मदारी के करतब से ज्यादा नहीं हो रहती, वो उनसे बहुत दूर भागने लगता है। वहां पहुंचकर तो फिर उसके लिए अहम चीज ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज पकड़कर वो बैठा रहे, रब के दर पर बैठा रहे, तो उसकी तवज्जो का मरकज और उसके जिंदगी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये हो जाता है कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब ताला मिल जाए। तो वह इन चीजों से घबराने लगता है, इसलिए आप देखेंगे कि अगर कभी इत्तफाक हुआ किसी बुलंद पाया वली अल्लाह के पास जाने, उसको आप दुआ का कहें, वो दुआ से घबराता है, फिर वो साफ पता चल जाएगा कि बदले ना खास्ता दुआ कर रहा है, इसलिए कि दुआ नहीं करेगा तो रब की यहां वो खसीस कहलाएगा, उससे दूर भागते हैं तमाम अलिया कराम। तो दुआ करेगा लेकिन बड़े बुरे दिल के साथ कि क्या ये, इसलिए कि उसका तो
ध्यान कहीं और चला गया, उसको ये पता चल गया कि मेरे रब तो मुझे पालता है। जब मेरा रब मुझे पाल रहा है तो मैं वो चीज रब से क्यों मांगू जिसको वो सबसे हकीर समझता है। दुनिया रब के नजदीक सबसे हकीर तरीन चीज है। दुनिया भी मालो सर, दुनिया से मतलब ये है मेरा। तो मैं रब से ऐसी चीज क्यों मांगू जिसको वो हकीर जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर कश्फ में मुलाकात होती है तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो चीज क्यों मांगू जिसको जानबूझ के उन्होंने ठुकरा दिया हकारत से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं चाहूं तो एक कोहे ओहद, जबले ओहद पूरे का पूरा सोने का हो जाए। लेकिन कैसी जिंदगी गुजारी हमें सबको अजबर है। तो जिस चीज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हकारत से ठुकरा दिया और जिस चीज की कीमत रब के नजदीक बकरी के गले हुए गोश्त के बाल के बराबर भी नहीं है, हम रब से वो हकीर चीज क्या मांगे। हाँ, उसे मांगना चाहिए, जरूर मांगिए, दिल भर के मांगिए, लेकिन उससे मांगने की चीजें क्या है। ऐसी चीजें, ये दुनिया का तो वादा उसने कर लिया कि मैं पाल लूंगा तुम्हें, दावा भी है उसका, वादा भी है, दोनों बातें हैं। इसलिए कि वो अपने आप को रब कहता है, उसका दावा है ये, मैं रब हूं। तो वो दावा भी कर रहा है, वादा भी कर रहा है, दोनों बातें हैं कि मैं पालने वाला हूं। तो पालना जो है ये तो बहुत वसी ब्रॉड बेस्ड टर्मिनोलॉजी है। इंसान की तमाम जरूरियात की जिम्मेदारी रब के जिम्मे है। तो अल्लाह ताला से मगफरत मांगे, अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह से रहम की दरख्वास्त कर ले, अल्लाह से उसकी रहमत मांगी जा सकती है। और अगर अल्लाह हिम्मत अता कर दे, तौफीक अता फरमा दे, तो अल्लाह से उसकी जात मांगी जा सकती है कि या अल्लाह तू मुझे अपना आप अता फरमा दे। लेकिन उसके लिए फिर तैयार ये रहना चाहिए कि अगर कभी इंसान ने ये दुआ मांगी और वो कबूल हो गई तो फिर दुनियावी लिहाज से सख्तियां हैं। तो रब से मांगने को बहुत कुछ है, सिर्फ दुनिया ही मांगने के लिए नहीं है। तो रब से वो सब मांगा जा सकता है। अली अकराम जो उस मकाम पर चले जाते हैं वो तो मस्त रहते हैं, उसी मस्ती में गुम रहते हैं कि हालत कश्फ में मुलाकात हो गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रब के ख्याल में हर वक्त डूबे नजर आते हैं। तो ये अगला सवाल इसलिए नहीं पढ़ रहा कि वक्त हो गया, इंशाअल्लाह ताला अगले इतवार बशर्ते जिंदगी आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।